और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर बनारस से आ रही है विकास। यहाँ देखिए, बनारस जाओ और गंगा में नौका विहार ना करो तो काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है, लेकिन प्रशासन की सख्ती का असर अब नाव में बैठने वाले लोगों और नाविकों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गया। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट। बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार पर मनाही, सेल्फी लेने पर भी गिरी गाज। अगर वाराणसी आए और नौका विहार ना करें तो काशी की यात्रा अधूरी लगती है, लेकिन हाल के दिनों में लोगों के गंगा में डूबने की घटनाएं सामने आई। ऐसे में प्रशासन ने नौका विहार को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। वाराणसी के डीएम ने यह आदेश दिया है कि नौका विहार करते वक्त लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। वहीं एक नाव में लिमिट से ज्यादा लोगों के बैठने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा नाव में बैठकर सेल्फी लेने पर भी रोक लगाई गई है। चार पांच थाना एरिया पड़ते हैं हमारे, जितने भी घाट हैं उनके, उन घाट के पुलिस के लोगों को भी बताया गया है। साथ ही एसीएम और सीओ साहब को जिम्मेदारी दी गई है कि औचक निरीक्षण करते हुए भी ये हम लोग सुनिश्चित कराएं। नगर निगम को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि बोर्ड सभी घाटों पर लगवाएं कि लाइफ जैकेट पहने बिना कोई भी नदी में ना जाए। इन आदेशों का असर अब नाविकों की रोजी पर पड़ रहा है। दरअसल कोरोना को देखते हुए जो यात्री एक बार लाइफ जैकेट पहन लेता है उसे दूसरा यात्री पहनने से मना कर देता है। ऐसे में हर यात्री के लिए नई लाइफ जैकेट कैसे मुहैया कराए। जैकेट मार्केट में स्टॉक आउट हो गया है और जैकेट जो एक यात्री को पहना दे रहे हैं दोबारा वो यात्री कर रहा है। कोरोना काल चल रहा है, हमको जैकेट धो के दीजिए, नहीं हम जैकेट नहीं पहनेंगे। बहुत सारे यात्री जैकेट पहनने से इनकार कर दे रहे हैं। सब लोग पहनने को राजी नहीं है, कुछ लोग मांग रहे हैं, कुछ लोग कोरोना के चलते हुए उनको डर लग रहा है, नहीं भी मांग रहे हैं तो उनको भी हमको अपना सवारी को ले जाना पड़ रहा है। लिहाजा प्रशासन को चाहिए कि इसका कोई दूसरा हल निकाले। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, आगे भी दिखाएंगे आपको तेज रफ्तार खबरों की सुपर डोज सुपर सेवन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।